गाइस नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमन कुमार। आज अभी कलकत्ता में हूं, अभी मैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम यहां से एमजी रोड मेट्रो स्टेशन जाएंगे, मेट्रो से लेके हम डायरेक्ट मेट्रो पे बैठने के बाद हम दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाने वाले हैं। तो अभी हम चलिए, मेरे साथ बने रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, सपोर्ट कीजिए और दबा के शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। आज मैंने जर्नी की शुरुआत सियालदह मार्केट से की है। सुबह सुबह होने की वजह से कुछ दुकानें बंद भी हैं, यहाँ की रौनक दिन चढ़ते ही देखने को होती है। अभी हम सियालदह मार्केट में हैं और अभी सुबह का टाइम है, 9 बज रहा है, तो मार्केट अभी खुला नहीं है। पैदल थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं एमजी रोड के लिए। मैंने सियालदह मार्केट से बस लिया एमजी रोड मेट्रो स्टेशन जाने के लिए। ये जो आप पटरी देख रहे हैं, इस पर ट्राम चलता है। भारत में अब सिर्फ कोलकाता में ही ये देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत 1902 में की गई थी। रास्ते में चलते चलते मैंने मैंगो जूस को ट्राई किया, काफ़ी स्वादिष्ट था। अगर दिन की शुरुआत इतनी अच्छे अंदाज में हो तो क्या ही कहना। अच्छा, और ऊपर से जो टॉपिंग किया वो बहुत अच्छा लगा, चेरी वगैरह का जो था, बादाम था, काजू था, बहुत अच्छा था। अब कोकोनट का पिसा हुआ है ना वो चूर, है ना। तो चलिए सफ़र के कुछ रास्ते हम मेट्रो से तय करते हैं। भारत में पहली बार मेट्रो सेवा कोलकाता में ही शुरू की गई थी 1984 में। अब हम मेट्रो से बाहर निकल चुके हैं दक्षिणेश्वर, अब मंदिर जाएंगे यहाँ से। तो चलते हैं अभी आगे। स्काई वॉक से आप पैदल ही दक्षिणेश्वर काली मंदिर जा सकते हैं। आप हवा बहुत तेज चलने लगा, अब अच्छा लग रहा है। हाँ देखिए, सब लोग सेल्फी, उधर सेल्फी सेशन चल रहा है सबके पीछे। यहाँ मैंने भी कुछ फोटो अपने क्लिक किए और फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ा। मंदिर की ओर चलते हैं अभी। नहीं नहीं भाई, ठीक है, धन्यवाद। आगे आगे, अरे अरे आगे आगे कर लेंगे। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, परेशानियां बहुत होने वाली है अगर इधर क्रॉस करते हैं तो। कोशिश हर लोग करेंगे कि आप उनकी दुकान से प्रसाद लें। ये चीज़ आपको देख के चलना है, ज़्यादा ही फोर्स होगा इस चीज़ के लिए। और अभी हम इसको झेल भी रहे हैं तो आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप प्राइवेट गाड़ी से आते हैं तो इम्पोर्टेंट है आपको पार्किंग का। तो मेन गेट से जैसे आप इंटर करते हैं तो आपका लेफ्ट साइड में ही बना हुआ है पार्किंग का, वहाँ पे आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं और उसके बाद आप आगे मंदिर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। आप जब मंदिर यहाँ पे आएंगे तो आपके लिए मैंने बताया, इधर एक मंदिर के कैंपस के अंदर आपको आराम से जूता चप्पल बैग रखने के लिए सब का व्यवस्था किया गया है। तो आप मंदिर के अंदर ही सब कुछ जमा करें और आपको फूल वगैरह जो लेना हो तो सब मंदिर के गेट के पास ही मिलता है। इधर उधर से ना लें, महंगा पड़ेगा। और यहाँ पर बहुत सिंपल है, 3 रुपया एक जोड़े जूते का और बैग का, बड़े बैग का 10 रुपये और छोटे बैग का इस तरह से 6 रुपया करके है। तो ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, आप अंदर ही आए और अंदर ही जमा करें। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं एरिया, यहीं पे आ रहा है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो कैमरा को लेके अभी अंदर हम नहीं जाएंगे, अंदर सिर्फ जा रहे प्रणाम कर लेते हैं। और
अब मुझे भूख बहुत जोर से लग चुका है, तो चलते हैं लंच करते हैं पहले। भोजन बहुत स्वादिष्ट था, खाके मैंने बहुत एंजॉय किया। अभी दक्षिणेश्वर काली मंदिर से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अभी हमको जाना का प्लान था बेलूर मठ, पर 12:30 बजे बंद हो जाता है वो भी, तो और 3:30 या 4 बजे तक खुलता है वो, तो फ़ायदा आप देख लीजिए। जब भी हम आते हैं यहाँ पे तो 12:30 से 3 ये दोनों मंदिर बंद रहता है, बेलेश्वर मठ और दक्षिणेश्वर काली। तो टाइम को अपने मैनेज करते हुए आइएगा इधर। अभी हम जा रहे हैं कालीघाट, तो मेट्रो लेते हैं अभी वहाँ से, यहाँ से मेट्रो डायरेक्ट आपका कालीघाट के लिए मिल जाएगा, तो अभी हम मेट्रो से जाते हैं। अभी मैंने एक ग्लास ख़रीदा जो आप देख रहे हैं पीना हुआ, ये 100 रुपया बोला, मैंने उसको 50 बोला, उन्होंने 60 में दिया मुझे ये ग्लास, ठीक ठाक है ले लिया, थोड़ा अच्छा था। अभी हम जा रहे हैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर, सॉरी दक्षिणेश्वर स्टेशन जा रहे हैं अभी हम, वहाँ से हम कालीघाट के लिए टिकट लेते हैं और चलते हैं वहाँ पे। चले, बहुत गर्मी है। वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हाँ बिल्कुल लाइक करना ना भूलें। आपने हमारे चैनल को बहुत प्यार दिया है, इसी तरह आप प्यार को बनाए रखें, और आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि मुझे कहाँ कहाँ जाना चाहिए, किसके जगह को विजिट करना चाहिए, जिससे मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो ला सकूँ। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।